अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं निकल चुका था बैंगलोर से कोयम्बटूर की तरफ। एक्चुअली मुझे जाना कोयम्बटूर नहीं था, जाना था ईशा योगा सेंटर, जो कि बहुत ही फेमस है, सदगुरु द्वारा बनाया गया आश्रम है। और वहाँ पे अपने आदि योगी महाराज, जो कि भगवान शिव हैं, उनकी बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ा स्टैचू है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचू, आई थिंक 112 फीट का स्टैचू है। सो सुबह के 6 बजे थे और मैं निकल चुका था बैंगलोर से कोयम्बटूर की तरफ। ईशा योगा सेंटर का डिस्टेंस मेरे घर से था 402 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। मौसम काफ़ी बढ़िया था, रोड्स तो ज़बरदस्त थी और मज़ा आ रहा था। ओवरऑल मैंने जो रास्ता लिया था वो था होसूर कृष्णागिरी वाला रूट, जो कि कृष्णागिरी ऑनवर्ड्स आप तमिलनाडु में एंटर कर जाते हो और वहां से फिर कोयम्बटूर के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है। सो गाइस, मैं सेलम की तरफ बढ़ रहा हूँ, कृष्णागिरी क्रॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी और मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे 15-20 मिनट्स का। और भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा था बाइक चलाने में, क्योंकि महाराष्ट्र राइड जो हमने की कंप्लीट, जो कि बेसिकली वेस्टर्न ओडिसी राइड थी, जिसके लिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके बाद ये एक बड़ी राइड थी जो कि मैं सोलो कर रहा था और ऑलमोस्ट 400 अप 400 डाउन, सो ऑलमोस्ट 800-850 किलोमीटर्स कवर करना था राउंड ट्रिप में। और सीनरीज बेहद खूबसूरत, पहाड़, खेत और स्ट्रेट बैरन हाईवेज, द फीलिंग वॉज ऑसम। इट वॉज एन ओल्ड फीलिंग बट इट इज एन ऑसम फीलिंग एवरी टाइम आई फील दैट। सात से आठ घंटे का टाइम लग सकता है, सो जस्ट टेक योर टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू कोयम्बटूर एंड आई थिंक इट्स एटलीस्ट वन टाइम विजिट इफ नॉट मोर देन दैट। रास्ते में मुझे ये नदी दिखी जिसमें कुछ टूटे हुए पेड़ भी थे, कुछ झाड़ियां भी जा रही थी। आई थिंक मानसून का मौसम चल रहा है तो शायद इसमें पानी ज्यादा है। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि इस नदी का नाम क्या है। तमिलनाडु में ये नदी पड़ती है कोयम्बटूर जाने के रास्ते में। अगर राइट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे एक टेंपल और पहाड़ भी दिखता है। अभी मैं ऑलमोस्ट 138 किलोमीटर्स दूर हूँ ईशा योगा सेंटर से और अराउंड 2-2.5 आवर्स लगना चाहिए और जाने में। अभी टाइम हो रहा है 10:30 AM, सो आई बिलीव कि 1:30 से 2 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। शायद बीच में और कुछ ब्रेक लूँ तो टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट या दैट्स दी अपडेट। और यहाँ पे मैं रुका था, ये एक जगह है छोटी सी रोड के ही किनारे पे, एक वाटर ब्रेक ले लिया और अभी मैं रेडी हूँ अपने आगे की जर्नी के लिए। सर, ये ईशा योगा सेंटर जो है आदि योगी, ईशा योगा सेंटर है ना, आदि योगी स्टैचू रामलिंग, इधर टोल है ना, नेक्स्ट 50 मीटर्स पर सिग्नल है, राइट साइड रोड है, साइड 30 किलोमीटर्स சைட் ரோடு, டவுனுக்குள்ளே போகும், டவுனுக்குள்ளே போய் அங்கே போலீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, கேட்டு சைட் தான் போகிறோம், அந்த மலை அந்த மலை அடி போகிற எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஈஸ்ட் தான் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் டோல், நெக்ஸ்ட் சிக்னல் சிக்னல் ரைட்டு சைட் ரோடு, ஓகே தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ தட் मैंने बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया ईशा योगा सेंटर से कुछ अराउंड 60 किलोमीटर्स पहले। वहाँ पे एक अच्छी सी कॉफी शॉप थी, बेकरी टाइप का।
दूसरा में बुकिंग है मेरा, कैसे जाना होगा? सेकंड राइट नंदी कॉटेज। हाँ, नंदी कॉटेज। नज़ारे अल्टीमेट थे, अल्टीमेट, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप दिख पा रहा हो आपको कैमरा में, आई डोंट नो कितना जस्टिस हो पा रहा है, बट ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के ऊपर किसी ने बादल को रख दिया। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं ईशा योगा सेंटर, और ये पार्किंग है, मेन पार्किंग, यहाँ पे ही बाइक पार्क करनी है। ये मेरी बाइक लगी हुई है अलॉन्ग विद बहुत सारी अदर गाड़ीज, और उसके बाद मुझे आगे से स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेके स्ट्रेट जाना है, वहाँ पे मेरा कॉटेज है जहाँ मेरी बुकिंग है। मैं आपको एक राउंड राउंड व्यू दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। यहाँ का वेदर काफ़ी डिफरेंट है कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर में काफ़ी गर्मी थी बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेदर बहुत ही बेटर है। शायद पेड़ है और नेचुरल ब्यूटी है, एक वाइब अलग सी है यहाँ की। सो गाइस, ये है रूम आश्रम का, ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्रेंस करोगे और यहाँ पे की डालना है जिससे पावर आ जाएगा। वहाँ पे स्विच है, चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको जग और ग्लासेस मिल जाएंगे जो तांबा का बना है, और रूम के जस्ट बाहर पे वाटर कूलर भी लगा हुआ है, वहाँ से यू कैन गेट द वाटर। यहाँ पे कुछ फर्नीचर है, वार्डरोब, उसमें ड्रॉर्स हैं, टेबल चेयर, और यहाँ पे स्टैंड है जिसपे आप अपना कपड़ा या फिर सामान वगैरह रख सकते हो। इस साइड पे दो बेड्स हैं, आपको चादर वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे कर्टन्स है, एसी लगा हुआ है, और आप नॉन एसी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक्चुअली नॉन एसी ऑप्शन ही लिया है, सो ये एसी ऑफ है, और टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं है एसी की यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा है। और ये स्विच बोर्ड है, इधर एक लुकिंग ग्लास भी है। अब हम इधर आ जाते हैं, तो ये वॉशरूम है, लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स। सो दिस इज द वॉशरूम, यहाँ पे शावर है और ये नल है, आपको बाल्टी वगैरह मिल जाएगी, यहाँ पे स्टैंड मिल जाएगा, ये लुकिंग मिरर भी लगा हुआ है, और इधर यूरोपियन स्टाइल है, सो It's pretty decent enough. This is the room.